आंटी एक ये दे दो, येलो है ना ये, और एक उसमें ऑरेंज दे दो। फ्रिज में कुछ भी नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए, मेरे पास कुछ नहीं है, नथिंग। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। वेल वेलकम बैक टू द ब्लॉग गाइस। कल अमित की तबीयत खराब थी और आज मेरी तबीयत खराब है। आई डोंट नो, सुबह की शुरुआत तो ऐसी हुई है। मेरी आवाज़ से भी आपको लग रही होगी कि आवाज़ बहुत भारी भारी सी हो गई है, सर्दी हो गई है। बस मैं ये विश कर रहा हूँ कि बुखार ना आए। फिलहाल मेरे पास कुछ खाने को है नहीं, तो नीचे चलते हैं, नीचे से नाश्ता करके आते हैं। इडली वड़ा इसने तो लगाया ही नहीं है बाजार बेचने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे दुकान लगे हुए हैं जहाँ पे जाके खा सकते हैं, मगर इनके पास वो टेस्ट ही नहीं है। जहाँ पे हम लोग वर्कआउट करते हैं वहाँ पे आया हूँ, मॉल के अंदर। अमित ने बताया कि एक है, अब देखते हैं वहाँ मिलता है या नहीं। क्या नाम क्या है तुम्हारा? मेरा साहिल। साहिल, और अभी हमारा जब घर आके चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई इडली ही मार लिया, दो इडली उसने दिया ही नहीं। तो अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं उससे बगावत करने के लिए कि भाई तुमने हमारा दो इडली क्यों मार लिया। साहिल कहाँ गया यार, यहाँ पे रहता ही नहीं है। देखो गरबैया आई हुई है और इधर पंछियाँ बोल रही हैं, एक इधर है एक उधर अंदर साइड में। तो फिलहाल अभी 10:30 हो रहे हैं और बहुत ज्यादा जद्दोजहद के बाद फाइनली अब हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। नीचे जहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे खाते हैं ना, वो बढ़िया खिलाता है, मगर पता नहीं क्यों 2-3 दिनों से वहाँ पे लगा ही नहीं रहा। कल शाम को मैंने अपने लिए अंगूर खरीदा था, अमित के घर पे रह गया था, अभी लेके आ रहा हूँ। और साथ ही साथ मैंने लिया दूध और ये चने सुपर मार्केट से, अभी चाय बनाऊंगा। नीचे जाके नाश्ता करने का एक फायदा ये हो गया ना कि अभी मेरे को थोड़ी सी सनलाइट मिली है तो थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। तो मैंने अपने लिए बनाया है हल्दी दूध। पहले सोचा कि चाय बना के पीता हूँ अदरक वगैरह डाल के, फिर सोचा नहीं कॉफी पीता हूँ। मेरे दिमाग में ऐसे असमंजस वाली चीजें चल रही थी, तब तक मैंने दूध चढ़ा दिया था। उसके बाद बोला क्यों ना सर्दी है तो हल्दी दूध पीता हूँ, दैट विल बी अ काइंड ऑफ हेल्पफुल फॉर मी। सो राइट नाउ माय हालत इज गेटिंग वेरी वर्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर्दी बहुत जोर हो रही है और सर दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एज द टाइम पासिंग ऑन थिंग्स आर गेटिंग हार्डर एंड हार्डर फॉर मी। अभी शाम हो गया है और मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। दोपहर में सो गया था, अभी उठा हूँ, अभी भी सर बहुत भारी लग रहा है, मैं नहाया भी नहीं हूँ। सोच रहा हूँ कि नहाता हूँ फिर शायद मैं थोड़ा अच्छा फील करूँगा। सो आई एम डन विद द नहाना धोना, अब नीचे जाते हैं, पापा से बात करूँगा, मेडिसिन लूँगा और खाना लेके नीचे से आता हूँ। एक पैरासीटामोल, वो फोटो आपने दिखाया ना? नहीं नहीं इन्होंने दिखाया। तो अभी मेडिकल स्टोर पे आया हूँ, मेडिसिन वगैरह ले लेता हूँ। पापा से पूछा, उन्होंने 3 मेडिसिन का नाम बताया है। पूरा आएगा क्या? 3 गोली रहती है। एजिथ्रोमाइसिन, सेट्रिजिन, पैरासीटामोल। ये काट के नहीं दे सकते क्या? ये मिल जाएगा काट के। Now this is tragic. मैं पिछले आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ कि कुछ वेज खाना मिल जाए, मगर यहाँ पे नॉन वेज इज वेरी इजिली अवेलेबल। वेज के लिए इतना फाइट है, 3-4 दुकान पे पराठे तो मिल नहीं रहे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं खाने में ऑर्डर क्या करूँ। सो आई एम बैक होम और मैं नीचे गया था मेडिसिन और खाना लेने के लिए, बट सिर्फ मेडिसिन लेके ही आया, खाना मुझे मिला नहीं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं घर पे ही नमकीन पुलाव बना लूँ। सो इट्स 10 in the clock एंड somehow आई managed टू कुक अ डिनर फॉर माई सेल्फ। तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे भी करके भूख ऐसी चीज होती है कि आपको कहीं ना कहीं से वो चीज करना ही होगा। तो गाइज अभी मैंने मेडिसिन खा लिया है और अभी थोड़ा पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। नींद तो आ नहीं रही है, 11:15, तो सोच रहा हूँ कि अगर अच्छा फील कर रहा हूँ तो क्यों ना थोड़ा एडिटिंग कर लिया जाए। तो अभी थोड़ा बैठता हूँ, ब्लॉग एडिट कर देता हूँ। रात के 12:30 हो रहे हैं और मेरी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी कुछ 4:16 दिखा रहे हैं रेंडर होने में। सर्दी में इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने कॉन्सेंट्रेट करके किसी भी तरह से इस काम को पूरा कर लिया एंड कहीं ना कहीं ठीक ही हुआ। सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर मॉर्निंग। आज एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगा मैं। आई एम गोइंग टू हिट द जिम और मेरे साथ जा रहा है मिस्टर अमित वर्मा, जिसकी वजह से मुझे तबीयत खराब हुई थी और अभी इसकी तबीयत खुद की ठीक हो गई है। गोवा जाने के एकदम लौंडा एकदम उतावला है। पिछले हफ्ते जो सवाल मैंने अमित से पूछा था वही सवाल आज मैं पूछूंगा। पवन तबीयत खराब है और जिम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरे जो तबीयत खराब और बॉडी ठंडी हो गई थी ना, अभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है। चेस्ट डे इज द बेस्ट डे और लेग्स डे के बाद अगर कोई सबसे अच्छा दिन लगता है तो वो चेस्ट डे लगता है। लिप बाम अच्छा दिन लगता है लेग्स डे के बाद। हाँ लिप बाम थोड़ा खरीद लेता हूँ, होंठ फट रहे हैं मेरे। यही वाला ना, पहले मैं इडली लेने के लिए नीचे जाता था जिम करने के बाद, अभी तो भाई से ही हो गया है, अंदर मॉल के अंदर ही मिल जाता है। तुम लोगों की होली चालू है? पूरा भीग रखे हो अभी से? आपस में
सोसाइटी के पानी का सही इस्तेमाल हो रहा है? मुझ पे नहीं, मुझ पे नहीं, आपस में। मुझे निकलने तो धीरे से। तो अभी जिम से घर आ गया हूँ और सबसे पहले नीचे से इडली वड़ा लेके आ गया ताकि इसको खा करके सीधे मेडिसिन खा लूंगा। कल रात में एक डोज लिया था, एक डोज अभी खा लूंगा तो हो सकता है कि दोपहर होते होते या शाम होते होते तक के चीजें नॉर्मल हो जाए। कॉफी के बाद मेरी एक नई आदत लगी है चाय पीने की, तो अभी मैं चाय बनाता हूँ। मेरी चाय हो चुकी है तैयार। इसे देखकर किसी को अगर टेम्पटेट हो रहा है तो आई एम सॉरी, आप भी बना के पी लो। आए दिन मेरे घर के पीछे शूटिंग चलती रहती है। अभी कुछ देखो लोग आए हुए हैं, ये सब लगता है यूट्यूब वीडियोस या फिर रील्स वगैरह बना रहे होंगे। तो अभी शाम हो गई है, मैं आया हूँ थोड़ा यहाँ बैठा हूँ, बाहर टहलने के लिए आया हूँ। तो जस्ट सिटिंग अराउंड दिस गोल वाला चक्कर और आसपास देख रहा हूँ। देखो चांद कितना अच्छा दिख रहा है आसमान में, फुल मून है आज। कैसे चल रहा है ये कांदा? 40 चल रहा है, 35। कल भी यही करना है जो आज कर रहे हैं? नहीं, ये सब नहीं बिके, कल मसाला कल बिके गया। आपके दुकान पे आता हूँ ना, मैं समझ ही नहीं आता है कि हरी सब्जी मैं खरीदूँ क्या। सब्जी मेरा, इसीलिए मेरा फ्रिज हमेशा खाली रहता है, हरी सब्जी होती ही नहीं उसके अंदर। होली और होलिका का पूरा प्रिपरेशन हो रहा है, अभी थोड़ी देर में होलिका भी जलेंगी। आंटी अपनी सब्जी यहाँ रख रहा हूँ, ये कितने की बताई आपने? ऑर्गेनिक होगी वो वाली, उससे बेहतर ये है। आंटी एक ये दे दो, येलो है ना ये, और एक उसमें ऑरेंज दे दो। कैसे लोग घुस रहे हैं देखो बस के अंदर। दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो ऑफ मुंबई, क्योंकि बस ही है ना जो यहाँ से वहाँ लोगों को ट्रैवल करने में मदद करती है अभी। अरे मैं कल के लिए सारी चीज़ सामान खरीदने नीचे गया था, तब तक होलिका हो गई। ये देखिए, मैं इसका वेट कर रहा था कि होलिका होगी जब मैं तभी रहूँगा। होलिका दहन हो गई हमारे बिल्डिंग में। वो होलिका के अंदर क्या डालते हैं उसका तो आइडिया नहीं है मुझे, इसलिए मैं कुछ डालूंगा नहीं, बट हाँ अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज करा रहा हूँ। बाप रे बाप, मैंने सिर्फ एक चक्कर लगाया, इतनी ज्यादा तपिश है ना आग में, पसीने छूट गए। ये देखिए आप, सो इट्स 9:30 इन द क्लॉक एंड आई एम बैक टू होम। सारी चीज़ें खरीद ली मैंने, मतलब क्या ही ज़्यादा चीज़ नहीं खरीदा है। ये देखो सामने मेरे घर के जस्ट सामने भी, वहाँ पे भी ये लोग होलिका दहन कर रहे हैं। मार्केट में भी मैंने आपको दिखाया था कि होलिका दहन के सब जगह लगे हुए थे। मैं बस यही चाहता था कि यू नो बिल्डिंग में जब होलिका दहन हो उस समय मैं सामने रहूं, बट ठीक है कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन जैसे ही बिल्डिंग में घुसा मैं देखा ओ शिट मैं मिस हो गया, उसके बाद बाइक वहीं पे छोड़ा और फटाक से दौड़ के वहां पे गया। घर पे गया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाऊं, मन भी नहीं कर रहा था कुछ खाना बनाने का, तो फिर से नीचे आ गया हूं खाना लेने के लिए। अभी आज रात को खाना बनाने का कोई नहीं है।